हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीओ ने क्या विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा, नरेगा कार्य का किया निरीक्षण, गौचर भूमि में अतिक्रमण करने वालों को होगा 3 माह का कार्यवास। उपखंड के बांगली व नोवी ग्राम पंचायत क्षेत्र का चारागा विकास कार्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रहलाद सहाय नागा ने किया निरीक्षण। सीओ ने बताया कि नोवी ग्राम पंचायत क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति छात्रावास का निरीक्षण के दौरान वहां की व्यवस्था सहित विभिन्न कार्य को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तत्पश्चात नोवी ग्राम पंचायत द्वारा संचालित नर्सरी का भी निरीक्षण किया गया। वहीं उपखंड के बांगली व पोमावा ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचालित चारागाह विकास कार्य का भी निरीक्षण किया गया, जिसमे निरीक्षण के दौरान बांगली चारागाह का विकास कार्य देख कर ग्राम पंचायत की सराहना करते हुए कहा कि यहां से जो धाम बीज की पैदावार होती है वो अन्य ग्राम पंचायतों में बेचान करें ताकि ग्राम पंचायत की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अन्य 100 बीघा जमीन में भी ऐसे ही चारागाह विकास कार्य करने के लिए प्रेरणा दी। वहीं गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए भी प्रपोजल बनाकर तहसीलदार व उपखंड अधिकारी को प्रेषित करने को कहा गया, एवं साथ ही गौचर भूमि में अतिक्रमण करने वालों को 3 महीने का कारावास भी हो सकता है। इसलिए जल्द ही प्रपोजल बनाकर संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करें ताकि बांगली ग्राम पंचायत गौचर भूमि अतिक्रमण मुक्त हो सके। वहीं निरीक्षण के दौरान वृक्षारोपण भी किया गया एवं चल रहे नरेगा कार्य का निरीक्षण करते हुए एक्सीएन पीसी सुराना ने मस्ट्रोल की जांच की व संबंधित जेटीओ को मजदूरों को पूरी राशि दिलाने के लिए निर्देशित किया गया। जागरूक टीवी से बात करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रहलाद सहाग नागा, इन्होंने ये कहा, और बांकली में निरीक्षण किया, चारागाह का निरीक्षण किया है, और नौ में बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया। यहाँ पे जो दामन घास है वो बहुत अच्छा वर्क है, और जो दामन घास है उसका बीज भी इकट्ठा कर रहे हैं, इससे पंचायत की निधि आएगी। व्यवस्था वगैरह कैसे पाएगी? व्यवस्था बढ़िया। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।